पाठ 20 ज्ञान का भंडार समाचार पत्र अखबार। सुबह सवेरे हर घर में कोई न कोई अखबार आता है। घर का हर प्राणों इसकी राह देख रहा होता है। कई लोगों की नींद ही अखबार आने पर खुलती है। बच्चों, जानते हो हर कोई अखबार का दीवाना क्यों है? नहीं जानते? मैं बता देता हूँ, इसमें सबके लिए कोई न कोई जानकारी होती है। आप बच्चों के लिए कहानियाँ, बाल कविताएं, बच्चुकुलों के साथ साथ पहेलियाँ होती हैं, कार्टून होते हैं, रंग भरो प्रतियोगिताएं होती हैं, इन पर पुरस्कार भी मिलते हैं। क्या आपने कभी रंग भरो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है? आप ध्यान से अखबार देखना और अपनी प्रतियोगिताएं ढूंढकर उनमें हिस्सा लेना। अखबार आने पर कई बार घर के सदस्य इसे पढ़ने के लिए छीना झपटी भी करते हैं। सबसे पहले पढ़ने के लिए इसमें महिलाओं को रसोई की बहुत सारी चीजें बनाना सिखाया जाता है। युवाओं के लिए कौन सा विषय और कौन सी राह चुने, इसकी जानकारी दी जाती है। खेल जगत की सूचनाएं भी रहती हैं। बहुत से साहसी लोगों को जानकारी दी जाती है जो औरों के लिए प्रेरणा बन सके। बच्चों, इसीलिए समाचार पत्र को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। इसमें हर क्षेत्र की सामग्री मिलती है। एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि जो बच्चा प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है, उसका सामान्य ज्ञान दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ समाचार पत्र पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। कागज छापने की मशीन आने के साथ ही समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ था। ये समाचार पत्रों के संपादक ही थे जिन्होंने देशभक्ति की भावना लोगों में भरी। लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू व बाल गंगाधर तिलक सबने अखबारों में लेख लिखे, लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन को जानकारी दी। ये पंक्तियां तो सदा सदा कही जाती रहेंगी। खांचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तो मुकाबला हो तब अखबार निकालो। बच्चों, आपको पता है कि शहीद भगत सिंह ने भू कानपुर में बलवंत नाम से प्रताप अखबार में कुछ समय उप संपादक के तौर पर काम किया था। संपादक के सहयोगियों को उप संपादक कहा जाता है। आजकल भी अखबारों की जरूरत व महत्व बढ़ता जा रहा है। नए तकनीक से अखबार रंगून फोटो के साथ प्रकाशित होने लगे हैं। पहले श्वेत श्याम अखबार प्रकाशित होते थे। पहले डाक द्वारा समाचार भेजे जाते थे, फिर टेलीग्राम से भेजे जाने लगे। अब इंटरनेट पर भेजे जा रहे हैं। समाचार भेजने वाले को क्या कहते हैं? समाचार भेजने वाले को रिपोर्टर या पत्रकार कहते हैं। यदि आप अपनी कक्षा में प्रथम आ जाओ तो रिपोर्टर आपके घर फोटो लेने आते हैं। ये भी पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो। समाचार पत्रों का प्रकाशन करने के बाद इन्हें बंडल बनाकर अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। वहाँ एजेंसी मालिक हॉकरों को बांटने के लिए अखबार देता है। तब हर सुबह अखबार आपके हाथ में पहुंचता है। अखबार हॉकरों के लिए रोजगार देता है तो पढ़ने वाले को ज्ञान। इसलिए अखबार ज्ञान के भंडार हैं। आप इस भंडार से जितना चाहो ज्ञान ले सकते हो।